Hey everyone, I'm Siddhant Chaudhary and I'm finance intern at YoShow. So IPO का season आ चुका है, जैसे हमने आपको बताया, वैसे ही mutual funds, NFO, new fund offer, जैसे stock market में IPO होता है, वैसे mutual fund में NFO होता है, new fund offer. So starting में companies लेके आती है IPO की तरह ही, तो वो भी it issue करती है, और इसे Association of Mutual Fund in India, AMFI, वो संभालती है. सो आज हम तीन एनएफओ के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि उसमें इन्वेस्ट आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए एंड कितने टाइम पीरियड के लिए करना चाहिए. क्योंकि बेसिकली म्यूचुअल फंड में अगर थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए अगर आप करते हो तभी आपको एक स्टडी रिटर्न मिलता है. सो पहला है एक्सेस क्वांट फंड. सो एक्सेस क्वांट फंड है, इनका ऑब्जेक्टिव देखते कि क्यों कर रहे हैं, टू जनरेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन by investing primarily in equity and equity related instruments. So ये जो हमारा पैसा हो रहा वो इसे इक्विटी में लगाएंगे, राइट, इक्विटी मार्केट में. सो आपको पता होना चाहिए कि आपका पैसा लग कहाँ रहा है, तो आपको एक अंदर पेट आता है कि हाँ यार पैसा यहाँ लग रहा है तो यहाँ से मुझे अच्छा रिटर्न आ सकता है, राइट. स्कीम टाइप है ओपन एंडेड, दो टाइप के होते हैं, मैंने आपको बता रखा है, मेरी पुराने वीडियो डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा. NFO होता है ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड फंड होते हैं. सो ओपन एंडेड है एंड स्कीम कैटेगरी इक्विटी स्कीम है, लाइक दे विल इन्वेस्ट देयर फंड इन इक्विटी एंड लॉन्च डेट है 11 जून एंड द क्लोजर इज 25 जून. सो अभी आपके पास टाइम है एंड देन हम देख सकते हैं सर मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट दैट इज 5000. सो NFO में सबसे अच्छी चीज़ ये होती है, IPO में आपको मिनिमम अप्रोच 50,000 का आपका एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, बट NFO में सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको सिर्फ 5,000 अमाउंट चाहिए, राइट. एंड और जैसे IPO में होता है कि ओवर सब्सक्राइब्ड, अंडर सब्सक्राइब्ड हो सकते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं होता. इसमें एक पर्टिकुलर प्राइस होता है जो इशू होता है उस पर ओपन होता है, देन वो स्टडी होते धीरे 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 ग्रोथ रहता है. तो हम इस IPO के बारे, इस NFO के बारे में और जानते हैं, राइट, कि ये कंपनी कैसी है, कंपनी के बाकी जो म्यूचुअल फंड्स है उसमें कंपनी को कैसा रिटर्न मिल रहा है, उन्होंने अब तक क्या कौन कौन से डिफरेंट तरह के म्यूचुअल फंड्स लाए, हम सब चेक करते हैं. सो ये ओपन होने में टाइम ले रहा है. सो आई थिंक आपके पास नेटवर्क इशू आ गया था, मैं वापस से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ. सो बेसिकली एक्सेस म्यूचुअल फंड का हम देखते हैं कि ये इस कंपनी की वैल्यू कैसी है, वैल्यूएशन कैसी है, इस कंपनी जो पहले के प्लान है वो कैसे है, वो आपको पता होना चाहिए. सो आप होता है कि हाँ यार मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, राइट. सो एक्सेस म्यूचुअल फंड के जो इक्विटी स्कीम्स है आप देख सकते हैं, एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड. सो यहाँ पे ग्रोथ आपको रेगुलरली मिल रही है, तो हम इसे ईयरली देखते हैं. सो ईयरली में इससे आपको 43% का रिटर्न दिया है, राइट. आप अगर FD में डालते हो तो आपको 5-6% का रिटर्न मिलता है, यहाँ पे आपको 43% मिल रहा है वन ईयर का देखे तो. जैसे एक्सेस फोकस फॉर 25 फंड्स, सो उसमें भी 46% का रिटर्न है. Then HS Global Innovation Fund, ये थोड़ा अभी वेबसाइट पर काफी ज्यादा टैरिफ है, तो इससे जितने भी है उसमें आपको एक स्टडी रिटर्न देखने को मिल रहा है, बट इसमें जो रिस्क टाइप है, तो जो रिस्क टाइप है वो लाइक जो एपिटाइट होती है आपकी वो थोड़ी रिस्क एपिटाइट है. तो इफ यू आर वन ऑफ दोस जो रिस्क ले सकते हैं, देन These all schemes are best for you. It means हाँ कि आपको एक रिटर्न बहुत अच्छा मिल सकता है, बट वहाँ पर थोड़ा रिस्क रहता है, राइट. तो इनकी जितनी भी स्कीम्स है, नहीं जैसे आपको एक्सेस 25 फोकस फंड वन ईयर का 46% आप देख सकते हो. देन एक्सेस मिड कैप फंड, लाइक इसमें भी इक्विटी में कर रहे हैं मिड कैप में, आपको 52% का रिटर्न मिल रहा है. और क्या चाहिए, इफ यू आर इन्वेस्टिंग 10,000 आपको 52,000 का रिटर्न मिल रहा है, लाइक 52% सॉरी ऑलमोस्ट 16,000. तो अगर आपने आज 1 लाख रुपए 1 लाख
रुपए लगाए तो आपको 1.5 लाख एक साल में कोई भी लाइक अच्छे अमाउंट है। सो इससे जितने भी म्यूचुअल फंड है एक्सेस, दे आर गुड, लाइक आपको सब में 40-50% रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। जैसे इसमें स्मॉल कैप फंड में 70% रिटर्न कहाँ मिलता है। सो आई थिंक दिस इज एक्सेस म्यूचुअल फंड है, ये जो अभी NFO आया है, यू शुड गो फॉर इट। देन हम दूसरा है बैंक ऑफ इंडिया का AXA UCI फंड। सो बैंक ऑफ इंडिया का इनसे टाई अप है। सो इनका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं हम। द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू प्रोवाइड इन्वेस्टर्स विद द अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन बाय इन्वेस्टिंग प्रोडोमिनेंटली इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये भी हमारे फंड को इक्विटी में ही लगाएंगे। एंड डेट 8 जून से 22 जून है एंड द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज 5,000। सो यहाँ पे भी आपको कम से कम 5,000 इन्वेस्ट करना है, राइट। एंड अब हम इसे प्रोडक्ट्स और देखते हैं। सो इससे जो पुराने हैं आपको एक 1 ईयर का रिटर्न इस अराउंड 3.59%, लाइक हमने एक्सेस से देखा तो उससे काफी कम है। तो इसके जो क्रेडिट रिस्क फंड है, इक्विटी डेट लेवल फंड है, उनमें 17% रिटर्न है, राइट। सो दैट इज ऑल्सो नॉट बैड। लाइक जैसे इसे लार्ज एंड मिड टर्म इक्विटी फंड है, उसमें भी अराउंड 70% का रिटर्न था, यहाँ पे भी 62.97% का रिटर्न है। सो यहाँ पे एक अच्छी चीज है, अगर वो आपका पैसा इक्विटी मार्केट में लगा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है। क्योंकि तो आपको फिर एक दिमाग में चीज होती है यार, वहां पे ग्रोथ है या नहीं है, राइट। सो आपको पता होना चाहिए ना आपका पैसा जा कहाँ रहा है, राइट। सो इस कंपनी की वैल्यूएशन देख रहे हो तो दैट इज गुड। जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है इसकी वो भी काफी अच्छी है। देन हम अदर कंपनी की डिटेल्स देख ले। सो ये इसके अराउंड 5,000 ब्रांच है एंड काफी पुरानी है। लाइक यू नो ऑल्सो बैंक ऑफ इंडिया ओवरसीज 22 कंट्रीज में प्रेजेंट है, ओ 5 कॉन्टिनेंट। सो दैट इज गुड थिंग अबाउट इट। एंड मैंने आपके इसे म्यूचुअल फंड्स तो बता दिया, जो इसके एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड्स है उसका बता दिया। सो इट्स ऑन यू कि आप इसमें इन्वेस्ट करते हो या नहीं, बट आपको एक ये चीज पता होनी चाहिए। हाँ यार, कंपनी के जो बाकी म्यूचुअल फंड्स है उसमें कंपनी अच्छा ग्रोथ दे रही है। अब इनमें क्या होता है कि आपको थोड़ा टाइम लगता है, ये लंबी रेस से जुड़े होते हैं। तो लंबी रेस के लिए ना आपको एक स्टडी पोजिशन चाहिए होती है, जिसमें धीरे 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 1-2 साल टाइम लगता है, आपको थोड़ा रिटर्न कम आएगा, बट उसके बाद वो चीज आपको थोड़ा ज्यादा 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 बढ़ के वो एक अच्छा रिटर्न मिलता है आपको। देन तीसरा है हमारा HDFC बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड का। तो HDFC के म्यूचुअल फंड्स भी हम देखेंगे। पहले देख लेते थे इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन बाय इन्वेस्टिंग इन इक्विटी। सेम इनका भी वही है इक्विटी में, बिकॉज स्टॉक मार्केट लाइक हर कोई इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में देख रहा है, तो वहाँ पे ग्रोथ अच्छी है, रिस्क होता है, बट इनके पास जो इनके फाइनेंशियल टीम होती है वो काफी इंटेलिजेंट बोल सकते, काफी शार्प होते हैं, जो जो इन्हें पता होता है इन्हें कैसे इस अमाउंट को सेलिब्रेट करना होता है, राइट। देन 11 जून इसकी लॉन्च डेट थी एंड 25th इसकी देन क्लोजर डेट है इसी 30th जून। एंड ऑल्सो जैसे मैंने आपको बताया था NFO में मिनिमम इज 5,000। देन हम इसे देख लेते हैं पुराने जो भी स्ट्रीम डिटेल्स और जितने भी है। सो जैसे ये आर्बिट्राज फंड है, राइट। तो इसमें जैसे इन्होंने पहले ही सजेस्ट किया 3-6 मंथ का, सो एंड सुटेबल फॉर रेगुलर इनकम। अगर आप एक रेगुलर इनकम का सोर्स है देन यू कैन गो फॉर दिस। सो जैसे हम इसके इक्विटी वाले में हम इसका भी चेक करते थे, इसे इक्विटी में कितना क्या रिटर्न है। जैसे हमने बाकी उनका चेक किया, देर इज ऑलमोस्ट 60% रिटर्न। ओके देन HDFC 14 डेट्स, यहाँ पे इनके जितने भी म्यूचुअल फंड है उसे सारे डिटेल्स मिल जाएंगे आपको। जैसे ये डाइवर्सिफाई मिड कैप एंड लार्ज कैप, राइट। सो अब हम इसका चेक करते हैं। सो दैट इज अबाउट 3 ईयर सुटेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, इट इज 3 ईयर। सो मिनिमम इफ यू आर गोइंग फॉर 3 ईयर देन यू कैन इंजॉय अ गुड रिटर्न। देन स्ट्रीम डिटेल्स है, एवरेज ग्रोथ मिलेगी आपको, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है,
superior financial strengths and are trading relatively attractive valuations and have value and potentials, unlocking potentials. And also इसमें आपको पता रहेगा आपके जो funds है उनका NAV क्या है, net amount इनका जो है like वो हर साल इनका increase होता रहता है. एनी 17 जून का है, आज इसी अमाउंट 166 है. Then there is no entry load, lock-in period 0 है, and that is the return. That is total expense ratio was 178 है, जो एक अच्छा signal है. So overall जो भी HDFC के mutual funds है उनका हम जैसे देख सकते हैं overall उनका return भी अच्छा है, steady and growth है. So मैंने अभी आपको ये तीनों NFOs के बारे में detail दे दी है. So आपको देखना है कि आपको कौन सा suitable है. बट बिफोर यू आर गोइंग फॉर एन एफओ आपको एक चीज होती है कि आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म का सोचना है. ऐसे नहीं कि आपने 2-4 महीने में देखा है रिटर्न नहीं आ रहा, 2-4 महीने में कुछ नहीं होता. और है ना म्यूचुअल फंड आपको कम से कम 24 मंथ्स का आपको टाइम पीरियड देना चाहिए. एंड देन आपको देखना चाहिए यार हाँ मेरा इसमें रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा. आई होप आपको आज बहुत सारी चीजें क्लियर हुई हो. थैंक यू.